स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती कहाँ हो? चक्रवर्ती को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है। उस रास्ते तुझे रोकने के लिए 100 लोग खड़े हैं। एक काम कर, वहां से राइट ले ले, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। और अगर स्ट्रेट जाएगा तो 500 मीटर पर स्मशान घाट है। कितना भी घूम फिर लो, आखिर मंजिल तो वही है। सीधा जाना ही बेहतर होगा। अगर तेरा सेटलमेंट करने का मूड है तो मैं पुलिस स्टेशन में कागजात के साथ तेरा वेट कर रहा हूँ। चुपचाप कागजात पे साइन कर दे और तेरी कंपनी मेरे हवाले कर दे। तब तेरे दोनों बापों को जिंदा रखना नहीं रखना ये हम सोच लेंगे। बेटा क्या हुआ? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हमारे जैसे गुंडों को आपने इज्जत दी, ऐसे मौके पर भी काम ना आए तो क्या फायदा? आप जाइए सर, पापा जी को हम संभाल लेंगे। अगर हमारे खिलाफ 100 लोग खड़े हैं तो हमारे साथ हजारों लोग हैं। सर, show me a hero in you, you will see a wild villain in me. तूने मेरी फैमिली को टच किया था, तभी ऊपर वाले ने तेरी मौत का ओटीपी भेज दिया। स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती, योर वन टाइम पासवर्ड।
बहुत दिन एंजॉय कर लिया, नाउ इट्स माय टाइम। आनंद, डोंट डू दिस, गिव मी द कीज, प्लीज गिव मी द कीज। उसे शूट करके कीज लेकर आओ। हेलो डीजीपी सर, सही समय पे आपका फोन आया। यहाँ थाने में आके कोई मुझे मार रहा है सर। मुझे बचाने के लिए कोई टीम भेजिए सर। कौन है वो? लगता है कोई स्लम डॉग है, दो कौड़ी का मिडिल क्लास आदमी है। स्लम डॉग नहीं है वो, तुम नहीं जानते कि वो पीपल मार्ट कंपनी का सीईओ है। देखो कब कौन क्या बन जाए कोई भी नहीं बता सकता, इसीलिए तुम पैसों की नहीं इंसानों की इज्जत करना सीखो। आनंद, आनंद मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो। देखो देखो उसकी क्या हालत हो गई है। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। मैं दो माँ दो पापा और दो परिवारों का प्यार जानता था। दो परिवारों का दर्द क्या होता है वो तूने मुझे बताया। अगर सब कुछ डबल डबल है तो बदला भी डबल होगा, इतना तो हक बनता है। संजय मार दे। आनंद एक बात है जो तू नहीं जानता, मान ले अगर मैं नहीं भी रहा फिर भी पीपल मार्ट पर एक विलन गिद्ध की तरह मंडरा रहा होगा। उसका काम तमाम मेरा भाई विक्रम चक्रवर्ती। आखिरी ट्विस्ट तू भी नहीं जानता, मेन विलन वही है। तेरी वाली प्लानिंग भी उसी ने की थी। विक्रम मुझे मारकर सीईओ बनते ही एम्प्लॉयज की नजर में मैं विलन बन जाता और तेरे जैसे आदमी को मारकर हीरो बन जाता। तुम आनंद को कब टपकाओगे? मेरे बेटे को कब सीईओ बनाओगे? कितने दिनों से वेट कर रहा हूं मैं। उस सीईओ की जगह पर आनंद नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा होना चाहिए। इस खेल का असली कच्चा नींबू तो तू ही है जेपी। अभी मैं ये सब तुझे क्यों बता रहा हूं पता है? टाइम पास कर रहा हूं ताकि तेरे बेटे को मार सकूं। अगर तू कहेगा तो तेरी कंपनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। आई प्रॉमिस यू। डैड उसे छोड़ दे प्लीज। तुम दोनों को मारने के लिए एक मिनट ही काफी है। 10 लोगों को मारना गुंडागर्दी, 10 लोगों को नौकरी देना बिजनेस। मैं बिजनेसमैन हूं जेपी, गुंडा नहीं। पापा चलिए,